आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है। बच्चों, इस प्रश्न में किसी स्थिति के औसत वेग के परिमाण को उसकी औसत गति के बराबर किन परिस्थितियों में माना जाता है। हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला विकल्प, एक वक्रीय पथ पर एक ही दिशा में नियत त्वरण के साथ नियत मंदन के साथ। अब यहाँ बच्चों, सबसे पहले कि औसत वेग और औसत गति क्या होता है इसे हम समझते हैं। औसत वेग को समझते हैं बच्चों। औसत वेग क्या होता है? अब वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो औसत वेग के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, यह होता है औसत वेग। अब औसत गति बराबर हम यहां लिखेंगे बच्चों, औसत गति बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों? कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम ध्यान से समझते हैं बच्चों, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि औसत वेग और औसत गति कब समान होंगे। यदि विस्थापन और कुल दूरी का मान एक हो जाए, जब विस्थापन और कुल दूरी, बच्चों जब कुल विस्थापन और कुल दूरी इसका मान क्या हो जाए? समान हो जाए, तभी औसत वेग और औसत दूरी बच्चों समान होगी। ठीक है, जब विस्थापन और दूरी का मान समान हो जाएगा। और ये कब होगा? जब हम एक ही दिशा में बढ़ रहे हो। मतलब एक ही दिशा में गतिशील हो। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा विकल्प है बच्चों, वह हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।